अलग अलग राज्य और अलग अलग तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें जो बयां करती हैं वो बयां करती हैं केवल मस्ती। ये देखिए आप तस्वीरों को, साफ तौर पर उड़ीसा का म्यूजिक बज रहा है और उड़ीसा के म्यूजिक पर ये नाचते झूमते कलाकार आपको नजर आएंगे और ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और ये आप देखिए पूरी तरह से मस्ती का माहौल क्रिएट यहाँ होता है सूरजकुंड में, लगातार ये मस्ती का माहौल क्रिएट होता है। और अब आप ये देखिए, ये उड़ीसा के कलाकार हैं, ये अपने वाद्य यंत्रों के साथ। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। यहाँ पर आकर क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके हमको 6-7 दिन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जितने भी मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खास तौर पर पुलिस लोग बहुत अच्छे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ का जितने मतलब ये लगता है सूरजकुंड में क्या पसंद आता है आपको, जब आप हर साल आते हैं अपनी कलाओं का परफॉर्मेंस करते हैं, कैसा प्यार मिलता है दर्शकों का? दर्शकों का तो बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार, क्योंकि वी आर इंडियन, बहुत खुश लगता है। और दूसरी बात यह है कि देश विदेश से जो दो अलग अलग प्रांत से जो आदमी आते हैं, उन लोगों को देखने से बहुत अच्छा लगता है, और उन लोगों को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमारे इंडिया वाले, और बहुत खुश लगता है हमको। थैंक यू। तस्वीरें देखिए आप, पूरे मस्ती। और ये देखिए असम की तस्वीरें, असम के ये कलाकार हैं किस तरह से अपने वाद्य यंत्रों से लोगों को झूमने पर मजबूर करते हैं, देखिए तस्वीर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है? दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। सूरजकुंड में लगातार आप आते हैं, किस तरह का प्यार मिलता है दर्शकों का? दर्शकों का प्यार कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, इधर पे आके बहुत अच्छा मिलता है प्यार। अच्छा मिलता है, ये इंतजार रहता है सूरजकुंड का? हाँ, इंतजार रहता है। एक और राज्य और तस्वीर आपके सामने, अपनी अपनी कला और अपनी अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए तमाम कलाकार, और यही इस कार्निवल में आमतौर पर देखने को मिलता है। सूरजकुंड में आए तमाम लोग इंतजार करते हैं कि शाम को 6 बजे, और 6 बजते ही ये तमाम कलाकार यहाँ नजर आए, और ये कलाकार अपनी अपनी कला और अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए यहाँ पर दिखाई दे।
ये एक और देश और फिर वही स्थिति, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम, कार्निवल का ये नज़ारा, तमाम दर्शक उसे देखने के लिए जुटे हुए हैं। कैसा लग रहा है कार्निवल आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा। खास नज़र आए? सब कुछ खास है, सब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं जितनी भी हैं, एक्चुअली जो ज़्यादातर बाहर नहीं देखने को मिलती। और सबसे अच्छा है कि आज जो अलग अलग स्टेट्स के भी कह सकते हैं इंटरनेशनल्स भी जो आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप बताइए क्या खास लग रहा है आपको इस मेले में? मेला बहुत ही अच्छा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हम ये इस चीज़ को हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। थैंक यू सर। परिवार के साथ आए? हाँ परिवार के साथ आए हैं बिल्कुल, और मैं पिछले 8 साल से इस मेले को हर बार देख रहा हूँ। आते हैं एक और देश और एक और देश की तस्वीरें आपके सामने। क्या देखने आए थे मेले में बेटा? सूरजकुंड मेला देखने आया था। क्या अच्छा लगा मेले में? हाँ मेले में अलग अलग देश के कलाकार देखने को मिले। हाँ अच्छा लगा। हाँ ये एक और देश, तस्वीरें फिर वही, अपने अपने कल्चर को, अपने अपने संगीत को, अपनी अपनी कला को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम देशों के कलाकार, तमाम राज्यों के कलाकार। ये एक और राज्य आपके सामने। और ये आ गए बहुरूपीय, अलग अलग तो ये बहुरूपीय जिनमें रावण, जिन, डाकू मंगल सिंह और तमाम लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। और अब एक नया देश, इसकी तस्वीरें आपके सामने। अद्भुत कला का प्रदर्शन, बेहतरीन संतुलन के साथ बेहतरीन कला, और यही खासियत है सूरजकुंड की। यहाँ आपको तमाम देशों के कलाकार जहाँ न केवल नजर आएंगे, तमाम राज्यों के कलाकार न केवल नजर आएंगे बल्कि बेहतरीन संतुलन के साथ अपनी कला और संस्कृति का परिचय कराते हुए भी नजर आएंगे। और ये एक और देश जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहा है, जैसा कि इस बार मेले में 50 देश भाग ले रहे हैं, तमाम राज्य, तमाम देश। वो तस्वीरें आपके सामने। एक और राज्य अपनी संस्कृति को दिखाते हुए, अपनी नृत्य कला को दिखाते हुए कलाकार अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। द
जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तमाम कलाकार, तमाम देश, कार्निवल का दृश्य है। अगर आपने ये तस्वीरें देख ली हैं, तो ये समझिए कि आपने 50 से ज्यादा देश और राज्यों की तमाम कला और संस्कृति को एक ही जगह पर देख लिया है, उस संस्कृति को समझ लिया है, उस कल्चर को समझने की कोशिश आपने की है। हालांकि पूरी तरह समझने के लिए एक तो आपको उस राज्य में जाना होगा, लेकिन उस राज्य की कला और संस्कृति की झलक आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। ये एक और तस्वीर आपके सामने, आ गया रंग बिरंगा पंजाब और पंजाब का भंगड़ा। गबरू जवान पंजाब के भंगड़े पर तिरकते हुए कलाकार। और देश की तस्वीर है, अलग अलग तस्वीरें सूरजकुंड मेले की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सूरजकुंड मेले में हमने जो दिखाया इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तमाम तरह की कला, तमाम तरह की संस्कृति, तमाम तरह का हस्तशिल्प आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमाम आपको दर्शक देखने को मिलेंगे, तमाम कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। ये तस्वीरें लगातार सूर्य समाचार आप तक पहुँचाता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए विराम। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।